नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज़ाद सिपाही की टीम अभी चाईबासा में है और हम लोग कोल्हान की विधानसभा सीटों पर कवरेज कर रहे हैं। चंपाई सोरेन के गांव जिलिंगोड़ा की खामोशी के बाद हम पहुंच गए चाईबासा के शोर शराबे में। जिलिंगोड़ा और चाईबासा जाने के क्रम में बहुत सारे गांव का हमने दौरा किया। उन गांव में कहीं से भी ना तो भाजपा कमजोर दिखी और ना ही जेएमएम। जेएमएम के अपने पारंपरिक वोटर्स हैं और भाजपा के जो वोटर्स 2019 में रूठे हुए थे, वे भी इस बार मन बना चुके हैं कि उन्हें भाजपा के साथ ही जाना है। चंपाई सोरेन के जिस प्रभाव की भाजपा उम्मीद कर रही थी, वह न तो उनके गांव में ही देखने को मिला, न ही उनके विधानसभा क्षेत्र में और न ही पश्चिमी सिंहभूम की विधानसभा सीटों पर। इसमें कोई दो राय नहीं कि चंपाई सोरेन का कद बहुत बड़ा है। उनका मान सम्मान पूरे क्षेत्र में है, उनकी छवि मददगार वाली है, लेकिन उनका भाजपा में जाना उनके जो वोटर्स रहे हैं उन्हें पसंद नहीं आ रहा। चंपाई सोरेन के वोटर्स को तीर धनुष पर ही भरोसा है। अब चंपाई सोरेन इन वोटर्स को कितना भाजपा में शिफ्ट करा पाते हैं, यह उनकी काबिलियत और अनुभव पर डिपेंड करता है। देर रात आज़ाद सिपाही की टीम चाईबासा पहुंची। दिन भर की थकान के बाद नींद अच्छी आई। सुबह 6 बजे नींद खुल भी गई। चाय पीने की इच्छा हुई। चाय वाली दुकान पर कई व्यक्ति पहले से ही चाय पी रहे थे। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि चंपाई सोरेन का चाईबासा में कैसा प्रभाव है। उस व्यक्ति का कहना था, यहाँ उतना असर नहीं है। उनका अपना क्षेत्र सरायकेला है और वह इस बार भी जीतेंगे। मैंने पूछा, आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं? उसका कहना था कि उनके पास जादू है। मैंने पूछा, कैसा जादू? उसने कहा, है ना, बस इतना समझिए कि उनके पास एक जादू की छड़ी है। फिर यहाँ वहाँ की बातचीत के बाद मैं वहाँ से आगे बढ़ा। वह व्यक्ति मेरे पीछे आया और कान में बोला, उनके पास भूत है। मैंने कहा, क्या उनके पास भूत है? मैं हंसने लगा। वह बोला, हंसने वाली बात नहीं है, आप देखिएगा, अगर दिन में वोटिंग का रिजल्ट आएगा तो दिक्कत होगी और जैसे जैसे शाम होती जाएगी पूरा खेल बदल जाएगा। मैंने कहा, ओके। फिर हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने कहा कि ये धन कुदरा की बात कर रहा है, ये सब गांव में लोग मानते हैं, लेकिन आजकल यह फ्रॉड का जरिया बन गया है। सब धन कुदरा के नाम पर करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। उसके बाद नहा धोकर हम मैदान में उतर गए, सदर बाजार गए, कई लोगों से बातचीत की। बातचीत के क्रम में एक व्यक्ति मिले, वहाँ उनकी एक दुकान थी। मुझे कुछ सामान चाहिए था। उन्होंने कहा, सबसे पहले राम राम जी। मैंने कहा, राम राम। मैं समझ गया कि ये भाजपा के समर्थक हैं। फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने उनसे पूछा, आप भाजपा समर्थक लगते हैं? उनका कहना था, जी हाँ, मैं भाजपा का सक्रिय सदस्य भी हूँ। मैंने सोचा, फिर इनसे बेहतर भाजपा की स्थिति के बारे में कौन बता सकता है। मैंने पूछा कि चाईबासा में भाजपा की दाल क्यों नहीं गल पा रही है? उनका कहना था कि भाजपा जब भी हारती है तो वह बहुत रोते हैं, वह चाहते हैं कि भाजपा हमेशा जीते। उनका कहना था कि चाईबासा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का मिश्रण है, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, टाउन में भाजपा लीड करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाते ही हवा निकलने लगती है, वह पिछड़ने लगती है। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ संगठन बहुत कमज़ोर है। कोई बड़ा नेता आता है तो वह एसी रूम में बैठ जाता है, छोटे कार्यकर्ताओं से नहीं मिलता है। यह आज से नहीं, बहुत पहले से चलन है। लक्ष्मण गिलुआ जब प्रदेश अध्यक्ष थे और वह जब भी चाईबासा आते थे एसी कमरे में रुकते थे, छोटे छोटे कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए घंटों आस में रहते थे, लेकिन वे उनसे नहीं मिल पाते थे। इस परंपरा को तोड़ने की ज़रूरत है। जो पुराने कार्यकर्ता थे उन्हें फिर से जोड़ने की ज़रूरत है। नए कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुराने कार्यकर्ताओं को भी तरजीह देनी होगी। उनका कहना था कि मामा जी यानी शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर आएं
एक बार वह अगर यहाँ आकर कार्यकर्ताओं से मिल लें, सभी पुराने और नए कार्यकर्ताओं में जोश भर दें, तो फिर देखिए क्या होता है। बाबूलाल मरांडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी संगठनात्मक समझ भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बार बड़े नेताओं का जमावड़ा लगना ज़रूरी है। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है। उस व्यक्ति का कहना था कि पश्चिमी सिंहभूम की पांचों विधानसभा सीटों पर भाजपा आसानी से जीत सकती है, लेकिन कार्यकर्ताओं तक पहुँच और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। एक और व्यक्ति से मुलाकात हुई, वह राजनीति के जानकार थे, चाईबासा और पश्चिमी सिंहभूम की राजनीति को अच्छे से समझते थे। उनका कहना था कि भाजपा का भाग्य उसके प्रत्याशी पर निर्भर है। यहाँ नेता चाहिए, नो डाउट। जो पहले दो बार से प्रत्याशी हैं वह पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन नेता मटेरियल नहीं है। भाजपा को यहाँ नेता देना होगा। अगर भाजपा यहाँ अच्छा प्रत्याशी नहीं देगी तो वही हाल होने वाला है। वैसे सुनने में आ रहा है कि यहाँ भी चुनाव आते आते कोई बड़ा खेल हो सकता है। मैंने पूछा, कैसा खेल? उन्होंने कहा, इंतज़ार कीजिए। मैंने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा का संगठन मजबूत नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि फिलहाल संगठन तो मजबूत है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं में जोश भरना है वह हो नहीं पा रहा। देखिए, कोल्हान में भाजपा को अच्छी सीटें आया करती थीं, लेकिन जब से रघुवर दास मुख्यमंत्री बने, कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना गिरा हुआ है कि अभी तक उठ नहीं पाया है। नेता आते हैं, सिर्फ बयानबाजी करते हैं और चले जाते हैं। धरातल पर क्या चल रहा है उसके बारे में समझना ही नहीं चाहते। मैंने पूछा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल क्यों टूटा, तो उनका कहना था कि रघुवर दास मुख्यमंत्री रहते कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देते थे। भ्रमण के दौरान शहर से लेकर गाँव तक हम लोगों से मिलते रहे। भाजपा की स्थिति बहुत बुरी नहीं है, बस एक बेहतर रणनीति की ज़रूरत है, जमीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। वहीं दीपक बिरुआ के बारे में लोग कहते हैं कि वह बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, उन्हें पता है कि चुनाव जीतना कैसे है। लोकसभा चुनाव में भले ही चोबा मांझी चेहरा थीं, लेकिन लड़ दीपक बिरुआ ही रहे थे। उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई कि उनके कार्यकर्ताओं में ही कॉम्पिटिशन लग गया कि कौन कितना बेहतर काम करेगा। हर बूथ पर वह काम करते हैं, बूथों पर सक्रियता भी उनके जीतने का कारण है। लोकसभा चुनाव के दौरान एक एक विधानसभा सीट पर काम किया गया था, गांव-गांव तक उन्होंने रणनीति बनाई थी, गांव के प्रमुख लोगों को जोड़ा, उसके बाद नतीजा आपके सामने है। चाईबासा विधानसभा सीट की गिनती झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुरक्षित गढ़ के रूप में होती है। 15 साल से इस सीट पर JMM का कब्जा है। वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बागुन सुमरई को पराजित कर JMM के दीपक बिरुआ ने पहली बार जीत हासिल की। इसके बाद वर्ष 2014 और 2019 में भी दीपक बिरुआ ने BJP प्रत्याशी JP तोबीद को हराकर इस सीट पर कब्जा बनाए रखा और जीत की हैट्रिक लगाई। चाईबासा विधानसभा सीट से लगातार 3 बार जीत हासिल करने के बाद दीपक बिरुआ को पहली बार चंपई सोरेन सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। वहीं दूसरी बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर से सरकार बनने के बाद दीपक बिरुआ को मंत्री बनाया गया। चाईबासा सीट पर प्रारंभ में झारखंड पार्टी का वर्चस्व रहा, लेकिन बागुन सुमरई के कांग्रेस में शामिल हो जाने पर इस क्षेत्र में झारखंड पार्टी का दबदबा खत्म हो गया। बागुन सुमरई जब तक राजनीति में सक्रिय रहे, राजनीतिक प्रतिद्वंदी उनके सामने टिक नहीं पाए, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण 2009 से उनकी सक्रियता कम हो गई और JMM के दीपक बिरुआ ने उन्हें पराजित कर दिया। बाद के चुनाव में दीपक बिरुआ को कांग्रेस की जगह भाजपा से चुनौती मिलने शुरू हुई, लेकिन लगातार 2 विधानसभा चुनावों में दीपक बिरुआ ने भाजपा प्रत्याशी को बड़े अंतर से पराजित किया। अब नेक्स्ट, जगन्नाथपुर विधानसभा। फिलहाल आजाद सिपाही की टीम जगन्नाथपुर में है।